को बीजेपी को विदाई दो। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में त्रिपुरा में शांति अमन और चैन का वातावरण हो, घर से निकलते हुए मन में भय न हो, हृदय में कंपन न हो, तो बीजेपी को विदाई दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक सरकार आए जो आपके बारे में सोचती है, जो आपके गैस के सिलेंडर के बारे में सोचती है, आपके बच्चों के परिवार के परीक्षाओं और उनके शिक्षा के बारे में सोचती है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि युवा और आधुनिक भविष्य को लेकर एक ऐसी सरकार हो, तो बीजेपी को विदाई दो। लेकिन अगर आप बाइक बाहिनी से खुश है, 5 साल और बाइक बाहिनी देखना चाहते हैं, तो बेशक बीजेपी को वोट दीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं कि महिला जब घर से निकलती है उनके मन में डर बना रहे, तो बेशक आप बीजेपी को वोट दो। अगर आप चाहते हैं कि धर्म और भाषा के लेकर हमारे लोग और विभाजित हो, तो आप बेशक बीजेपी को वोट दो। लेकिन अगर वास्तविक में देश के हालात, त्रिपुरा के हालात से अगर आप चिंतित हैं, और मुझे पूरा यकीन है आप चिंतित हैं, तो अपने भविष्य में परिवर्तन लाइए। 16 तारीख को निडर होकर आप पोलिंग सेंटर में जाइए और यहाँ पे आपके चुने हुए प्रतिनिधि जनप्रिय नेता आशीष शाह जी को आपका विधायक बनाइए और निश्चय ही आने वाले सरकार में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने वाली है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को। आसान नहीं है, लेकिन इस मुश्किल के घड़ी में जब त्रिपुरा का आवाम चाहता है कि बीजेपी को विदाई दे, हमारे दोनों दल के सदस्यगण में जो मैंने एकता देखी है, उस एकता का या प्रेम का सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए मैं दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज भाजपा की नाव डूब रही है और अपने डूबती हुई नाव को बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहले क्या सोचा? पहले सोचा कि अपने सरकार के मुख्यमंत्री को अगर बदल देंगे तो उनके राजनीतिक भविष्य में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव आएगा। लेकिन जिनको मुख्यमंत्री का पद दिया, उनको पद तो दिया लेकिन ताकत नहीं दिया, ताकत नहीं है उनके हाथ में। अफसोस से मैं कहता हूं दोस्तों, मैं आसाम से आता हूं, आज भाजपा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में, उनको बस पद दिया है, पूरा ताकत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को दिया। अफसोस से मैं कहता हूं, मैं भी आसाम से आता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं जो उत्तर पूर्वांचल के हर राज्य को सम्मान देना जानता है, उत्तर पूर्वांचल के हर राज्य को अलग अलग नजर से देखता है। लेकिन भाजपा क्या करती है? पूरे उत्तर पूर्वांचल का जिम्मेवारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को दे दिया। अब त्रिपुरा का नीति क्या होगा वो दिसपुर में बनेगा, मेघालय में क्या नीति होगा वो भी दिसपुर में बनेगा, दीमापुर का क्या नीति होगा वो भी दिसपुर में बनेगा। क्या ऐसा सरकार चाहते हैं? क्या ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं? इसीलिए अगर अपने भविष्य को अपने हाथ में लाना है तो आने वाले समय में आशीष शाह जी को, उनके हाथ को मजबूत करें। अफसोस की बात है, आज देश का गृह मंत्री आज अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। रात के 12:30 बजे चुनाव आयोग के और बड़े बड़े अफसरों को छुप छुप के बुलाकर उनको निर्देश दे रहा है। खबर है हमारे पास, ये मत सोचिए कि हमारे पास खबर नहीं है, खबर हमारे पास भी आते हैं कि रात के 12:30 बजे कौन वे लोग हैं जो छुप छुप के रात के अंधेरे में गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए। मैं उन बड़े अफसरों को संकेत देना चाहूंगा कि भूलो मत कि देश की निगाह आप लोगों पर है,
आप लोगों ने संविधान को जीवित रखने का शपथ लिया है, मीडिया यहां पर है, देश यहां पर है, त्रिपुरा के लोग आज अपने भविष्य को हासिल करना जानते हैं। किसी तरीके से हम इस चुनाव में आपके वोट को व्यर्थ होने नहीं देंगे, आपके वोट का लूट नहीं होने देंगे। मैं उन बड़े अफसरों को इस मंच से मैं संकेत देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यवस्था तो मैं समझ सकता हूं, बार बार यहां पे आ रहे हैं, आज भी यहां पे आए हैं, क्या बोल के गए कि हमारी सरकार आने के बाद हमने हाईवे बनाए, हमने पोर्ट बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने रेल बनाए। दोस्तों, बनाए तो बनाए, लेकिन सबके पीछे अडानी का मुनाफा जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट बनाए तो अडानी के लिए, पोर्ट बनाए तो अडानी के लिए, हवाई अड्डे पोर्ट के पश्चात अगर हाईवे भी बनाए हैं तो नीति आयोग में इनका रिपोर्ट है कि बाद में इनको बेचना पड़ेगा। तो ये बड़ा मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा पहली बार ऐसा मॉडल देखा है कि सरकार बनाता है हाईवे और उसका मुनाफा उठाता है उनका निजी दोस्त अडानी। कौन है ये अडानी? 2014 से पहले कभी नहीं सुना, लेकिन गजब अच्छे दिन, अच्छे दिन। हमने सोचा हमारे अच्छे दिन, हमारे पास 15 लाख, हमारे गैस सिलेंडर का दाम आधा, हमारे लोगों का रोजगार, हम तो पता ही नहीं चला कि अच्छे दिन आए तो ये अडानी के लिए आए। वो पहले 600 नंबर पे थे, मोदी जी के आने के बाद इतने अच्छे दिन आए कि दुनिया में 2 नंबर में सबसे धनी हो गए। उसी को लेकर कुछ साधारण सवाल राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाए कि अडानी जी मोदी जी कितने बार साथ में गए, कि कितने बार मोदी जी विदेश भ्रमण के बाद वो विदेशी सरकार अडानी को कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है। इतना डर कि राहुल गांधी जी के भाषण से ये शब्द ही मिटा दिए। दोस्तों, भाजपा के दोस्तों, ये वो पुराना इतिहास नहीं है, ये वो पुराना भारत नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में आज वो जानते हैं कि अगर भला किसी का हुआ है तो अडानी का हुआ है। आप भाषण के शब्द मिटा सकते हैं लेकिन सच को आप छुपा नहीं सकते। अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, सभी समझ चुके हैं। और काबिले तारीफ है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। भगवान का कोई अद्भुत आशीर्वाद ही होगा कि 3,500 किलोमीटर वो चल के आज उन्होंने सबका दिल जीत लिया। ठंड में चले, गर्म में चले, बारिश में चले, लेकिन एक ही संदेश के साथ कि आओ हम सब एकजुट हो। यही हमारी सबकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन है तो हम भारतवासी। हमारे बीच में राजनीतिक रूप से अंतर हो सकता है लेकिन कभी भी व्यक्तिगत रूप से हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं शांति में, हम विश्वास रखते हैं अमन में, और इसीलिए आज हमें चाहिए एक ऐसा सरकार त्रिपुरा में, एक ऐसा सरकार दिल्ली में जो आपके हाथ को मजबूत करे, अडानी की या अंबानी की नहीं, आप लोगों के भविष्य के बारे में सोचे। और काबिले तारीफ है, मैंने पढ़ा हमारे त्रिपुरा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उन्होंने कुछ ऐसे चीजें निकाले हैं जो आपके घर के हर हर चीज से ताल्लुक रखता है कि सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिले ताकि 600 रुपए का दाम आपको भरना पड़े। ऐसे प्रकार की नीति आज हमने अपने मैनिफेस्टो में घोषित किया हुआ है। बच्चियों को, जो बच्ची कोविड के समय स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, आज उन बच्चियों को वापस स्कूल में लाने के लिए परिवारों को बच्चियों के परिवार में शिक्षा में कोई पैसा देना ना पड़े, इस प्रकार की नीति हम लाए हैं। कर्मचारियों को आपको अपना वेतन मिले, इस प्रकार की हम नीति लाए हैं। सरकारी पदों को भरा जाए, इस प्रकार की हम नीति लाए। भाजपा आज डर चुकी है,
भाजपा सोचती है कि गोली बरसाएंगे, लाठी बरसाएंगे, दुकानें जलाएंगे, घर तोड़ेंगे, गाड़ियों को तोड़ेंगे और त्रिपुरा के लोग डर जाएंगे। होने नहीं वाला। त्रिपुरा के लोग इस बार निडर होकर आज भाजपा को विदाई देने के लिए प्रस्तुत है। आने दो 14 तारीख को हर त्रिपुरा के मन में, व्यक्ति के मन में एक ही बात है, आने दो इस 16 तारीख को। जो 5 साल हमारे पर जो शासन किया, 5 साल जो हमारे पर अत्याचार किया, उसका सूद समेत उत्तर त्रिपुरा के लोग 16 तारीख को देने वाले हैं भाजपा। तो दोस्तों, आज इतनी भरी तादाद में आप लोग आए हैं, धैर्य से आप सभी लोगों का बातें आप सुन रहे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, कांग्रेस से वाम दल का दोनों का झंडा लहराते हुए सचमुच आज मेरे कलेजे में ठंडा मैं महसूस कर रहा हूं। दिल में विश्वास है कि आने वाला समय हम सभी के लिए अच्छा समय होने वाला है। पुनः बार मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, आज मैं असम से आया हूं, आशीष शाह के चुनाव के इस मंच में इनके हाथ को मजबूत करने के लिए हाथ जोड़कर मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि आइए सभी मिलकर हम इनके हाथ को मजबूत करें और वाम और कांग्रेस की एक सरकार बनाए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। कहीं नहीं जाओ भाई, चला जाओ भाई पांडे।